न्यूज देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज। स्वागत है आपका खबर गांव शहर में। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का 59वां दिन, शुक्रवार को हुई 11वें दौर की बैठक में रही बेनतीजा। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। युवक पर 26 जनवरी के आंदोलन को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राजस्थान से किसानों को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने को कहा। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया आह्वान। जयपुर में चोमू सर्किल हाउस के पास सड़क धंसने से 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसमें एक ऑटो जा गिरा। ऑटो चालक और ऑटो में सवार एक महिला हादसे में घायल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि एक महीने के लिए और बढ़ाई। प्रदेश में अब 21 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 144। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन के लिए सीएम अशोक गहलोत रात को केरल पहुंचे। वे एआईसीसी की मॉनिटरिंग टीम के सदस्यों के साथ बैठक में भाग लेंगे। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 201 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 316,282 पर पहुंचा। राहत की खबर है कि बीते 24 घंटों में एक भी कोरोना मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई है। अब तक 2,756 मरीज इस बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। जोटवाड़ा थाना क्षेत्र के खीरनी फाटा के पास बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर मौत। तकरीबन 2 घंटे तक ट्रेन की पटरियों पर पड़ा रहा शव। सूचना पर जोटवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बारा के हरनावदा शावजी में सरपंच दीपिका पारेता के एक वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर केक काटकर खुशी मनाई गई। साथ ही किए गए कार्यों का लेखा जोखा सभी के सामने प्रस्तुत किया। बयाना कस्बे के नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार भट्टा ने सभी व्यापारी वर्गों की मीटिंग ली। मीटिंग में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार भट्टा को असुविधाओं से रूबरू कराया। डग कस्बे में कृषि उपज मंडी के पीछे बिना मुंडेर के कुएं में बैल गिरने की सूचना मिली। पंचायत कर्मियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद जिंदा बाहर निकाला। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था चुनाव 2021 के चुनाव में अध्यक्ष पद पर दूसरी बार विक्रम सिंह राठौड़ विजयी रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। मंडावरा के निकटवर्ती ग्राम गोहाला के श्रीकृष्ण गौशाला में गौभक्तों ने गो सेवा मणि की। स्थानीय पशु चिकित्सकों की टीम ने गो सेवा मणि में बने पकवानों की गुणवत्ता को परखा। सूरतगढ़ में क्षेत्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिम रेलवे का 65वां रेल सप्ताह समारोह जयपुर में मनाया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए कर्मचारियों को प्रदान किए गए। हरनावदा शाहजी में दुकानदारों, थड़ी और ठेले वालों को अतिक्रमण के नोटिस दिए गए। मामले में पीड़ित दुकानदारों ने शिवालय गुफा मंदिर हरनावदा में बैठक की।
इस बैठक में उपखंड अधिकारी को विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। साथ ही दुकानदारों ने अतिक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र भेजकर गुहार लगाई। भीनमाल में सोलंकी राजपूत समाज ने सम्राट सिद्धराज जयसिंह सोलंकी की जयंती मनाई। प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जोधपुर जनता जल योजना में तैनात पंप चालकों को अपने मानदेय के लिए पंचायत समिति के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर त्वरित कार्रवाई की मांग की। जोधपुर के तिवरी में रिको औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों के विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई, जिसमें 36 भूखंड विभिन्न वर्गों के लिए हुए आरक्षित। सिरोही के सार्वजनिक चिकित्सालय में महावीर जल मंदिर का शुभारंभ हुआ। विधायक संयम लोढ़ा ने फीता काटकर प्याऊ का किया शुभारंभ। बावड़ी में जगह जगह हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सरपंच के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बावड़ी में गणतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर उपखंड कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। सुमित्रा पारिक ने सभी अधिकारियों को गणतंत्र दिवस मनाने के दिए निर्देश। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची बावड़ी। आज से चिकित्सा विभाग के कार्मिकों को लगाया जाएगा टीका। तिवरी में रिको औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित 5000 वर्ग मीटर के कुल 360 भूखंडों की लॉटरी निकली। 36 भूखंड किए गए आरक्षित। चीन से आया एक मालवाहक विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन क्रू मेंबर्स को बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिली। इस वजह से 6 से ज्यादा पायलट और क्रू मेंबर्स विमान में फंसे। खनिज विभाग ने पिछले साल की तुलना में 26% अधिक राजस्व प्राप्त किया। इस साल खनिज विभाग को 21 जनवरी तक 3,557 करोड़ 39 लाख का राजस्व मिला। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने फिल्म निर्माता करण जौहर की ओर से दाखिल विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई की। पुलिस को कठोर कार्रवाई नहीं करने का दिया आदेश। टोंक के धूनी कस्बे में निजी बस पलटी, जिसमें 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को राजकीय चिकित्सालय में किया गया भर्ती। फिलहाल खबरगांव शहर में इतना ही। लगातार बने रहिए डीपी की न्यूज के साथ।